नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बता दें फरखाबाद से। फरखाबाद में सामूहिक विवाह समारोह मधुर मिलन गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया, जिसमें 70 हिंदू जोड़ों के विवाह एवं मुस्लिमों का एक निकाह संपन्न हुआ। गुरुवार को एक गेस्ट हाउस में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जब बेटियों ने अपना हम सफर चुना और रीति रिवाजों से विवाह बंधन में बंधे, तो लोगों ने उनको बधाई व आशीर्वाद दिए। वहीं जब बेटियों की विदाई का समय आया तो सभी की आंखों में आंसू आ गए। एक गेस्ट हाउस में विवाह समारोह का आयोजन किया गया। शाम होते ही मेहमानों का पहुंचना शुरू हो गया। वर और वधू पक्ष के लोगों के लिए अलग अलग पंडाल बनाए गए थे, जहां पर वधू और वर और उनके परिजनों को बैठाया गया। जब बारातें पहुंची तो स्वागत सत्कार भी किया गया। आखिर लंबे इंतजार के बाद वह घड़ी आई गई जब वर वधु के धर्म के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। विवाह बंधन में बनते ही मौजूद लोगों ने वर वधु को आशीर्वाद देते हुए बधाइयां दी। पूर्व MLC मनोज अग्रवाल और चेयरमैन वत्सला अग्रवाल ने बेटियों को उपहार और आशीर्वाद देकर विदा किया तो सभी की आंखें भर आईं। पूर्व MLC ने कहा कि कोरोना काल के समय सामूहिक विवाह आयोजित नहीं हो सके, अब जब सामान्य परिस्थितियां हो रही हैं तो उन्होंने एक बार फिर इसकी शुरुआत की है। वह लगातार आगे भी बेटियों के विवाह कराते रहेंगे। फरखाबाद से रघुवंश दुबे की रिपोर्ट। के चलते लॉकडाउन के कारण हमारा यह सेवा व्रत अनुष्ठान नहीं हो पाया था, किंतु अब हम पुनः पूरे हर्षोल्लास के साथ इस अनुष्ठान को कर रहे हैं, जिसमें मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। इस 14वें संकल्प दिवस को मैं अपने परम पूज्य बाबू जी को श्रद्धा के साथ उनके चरणों में समर्पित करती हूं। आइए इस शुभ समारोह को भगवान की कृपा और हमारे परम पूजनीय बाबूजी के आशीर्वाद के साथ आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं समस्त नारी शक्ति को नमन करती हूँ। मनुष्य सदैव आपका ऋणी रहेगा, क्योंकि आपने कभी माँ बनकर जन्म दिया, तो कभी बहन बनकर राखी बांधी, तो कभी सुहागन बनकर लंबी आयु की कामना की, तो कभी पुत्री बनकर गौरवान्वित कराया। यह समाज नारियों का ऋण कभी नहीं उतार पाएगा। वास्तव में बेटियां सबके मुकद्दर में कहां होती हैं? ऊंचा हो मुकद्दर तो ही मिलती हैं बेटियां, पधारे हुए सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, फरुखाबाद की पावन भूमि पर इस सेवा व्रत कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबका आभारी हूं। हमारे छोटे भाई मनोज अग्रवाल, जिन्होंने अपने पूज्य पिताजी के सपनों को साकार करते हुए यह सेवा व्रत के रूप में संकल्प लिया है कि हम इस आयोजन में गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराने का मुख्य कार्य करेंगे। हम उनके इस कार्य की सराहना करते हैं। इनके इस कार्य से प्रेरणा लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रत्येक नगर पंचायत में, प्रत्येक नगर पालिका में, प्रत्येक जनपद में इस तरीके के वैवाहिक कार्यक्रम शुरू कराए हैं। ये केवल उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं से प्रेरणा लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे आयोजनों को कराने का निर्णय लिया। इनके इस सेवा भाव से अभिभूत होकर मैं आज स्वयं इनके इस कार्यक्रम में आमंत्रण पर उपस्थित हुआ। मैं आभारी हूं। ये इसी प्रकार से सामाजिक कार्यों में लगे रहे, ईश्वर इन पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज ये जो युगल जोड़े
यहां से बनकर के गृहस्थ धर्म में प्रवेश करेंगे। हमारा इन सभी दाम्पत्य जोड़ों को बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत, जय सुरेश। अपन कर रहे हैं, अपने बच्चे बर्बाद बच्चों को पाल रहे हैं, उनको बच्चों की शादी में कहीं ना कहीं किसी न किसी थोड़ा कर्जा लेना पड़ता है, कहीं से व्यवस्था करनी पड़ती है। इसका उद्देश्य ये था कि उन्हें कर्जा ना लेना पड़े, उनके घर में जब बच्ची या बच्चा कोई भी पैदा हो तो वो खुशी का माहौल रहे और निश्चिंत रहें। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि पिछले 14 सालों से हम इन लोगों का भाई के रूप में, पिता के रूप में उनका कन्यादान कर रहे हैं। हम लोग व्रत रख कर कन्यादान कर पैर पूछ कर ही खाना खाते हैं। ये भावनात्मक बात है, भावना से जुड़ी हुई है। हमारे पूर्व मतलब हमसे जब से हमने 2008 से चालू करा, इससे पहले हमारे पिताजी पिछले कई सालों से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और आज हमें ये महसूस होने लगा है कि इन लोगों के यहाँ जब बच्ची पैदा होती है तो इनका केवल एक बात का भगवान से प्रार्थना रहती है कि बच्ची की शादी तो हो ही जाएगी, इसके पैर तो पूजी जाएंगे, केवल मनोज भैया जिंदा बने रहें। इनका ये आशीर्वाद हमें जिंदा बनाए हुए है। जिस लायक भी आज हमें इन बहनों के आशीर्वाद से हैं, उन माता पिता के आशीर्वाद से हैं जो हमें आशीर्वाद देते हैं, बहुत बड़ी कृपा। और ये अनुष्ठान ही नहीं है, ये संकल्पित बात भी है। सेवा व्रत दिवस तो है लेकिन ये संकल्पित है कि जब तक हम जीवित हैं बच्चों का विवाह करते हैं। आज कितने जोड़ों का विवाह कराएंगे? और लेकिन लगातार ये 14 साल से लगातार निरंतर चल रहा है। उसका चुनाव चुनाव का चुनाव का आपके ऊपर विपक्ष क्यों हमलावर है? हम तो आपके माध्यम से उनको आमंत्रित करते हैं कि वो लोग भी शादी समारोह भी करें, रसोई भी चलाएं। अभी कोविड हुआ था उसमें हमने 1 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन प्लांट लगाया, वो भी लगाएं, सेवा करें। इससे उन्हें भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिलेगा, साथ मिलेगा, लोगों का प्यार मिलेगा। और हम तो उनसे आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, तो चुनावी वर्ष वाकई में चुनावी वर्ष है, तो इसी वर्ष वो करें, आगे बढ़ें। हमारा कार्यक्रम तभी सफल होगा जब दीप से दीप जलेगा। और बहुत सारे लोग बहुत जगह कर रहे हैं, तो ये राजनीति से कोई इसका संबंध नहीं है। रसोई भी जो हमने खोली थी 2017 में पहली बार खोली थी जनवरी में, जब जयललिता जी की 5 दिसंबर को स्वर्गवास हुआ था, उसके बाद उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमने रसोई खोली थी, आज तक चल रही है। पिछले साल जब कोविड में पूरा देश बंद हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तब वो रसोई बंद हुई थी। पुनः जब बिल्कुल भारत में कोविड का प्रकोप बिल्कुल शांत हो गया, सरकार ने हम लोगों को सामूहिक काम करने का मौका दिया, उसके बाद से हम रसोई चला रहे हैं निरंतर। आज कितने जोड़ों का विवाह कराया? 71 बच्चों का विवाह है, जिसमें 70 बच्चों का विवाह, एक का निकाह। फरुखाबाद की जनता के लिए वो हमें आशीर्वाद दें और ऐसी